मॉर्निंग गाइस, और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। गाइस आज मैं जा रहा हूँ हम्पी की साइड हिचाइक करते हुए। ऑलमोस्ट सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ से हिचाइक करते हुए हम्पी के साइड आज जाने वाला हूँ। तो गाइस आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा मेरा हिचाइक का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हम्पी तकरीबन 350 किलोमीटर है, तो देखता हूँ आज तक पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ। यहाँ से देखता हूँ, अगर लिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है, मैं डायरेक्टली रोड तक पहुँच जाऊँगा और वहाँ से फिर मुझे एक और लिफ्ट लेके मुझे यहाँ से कम नहीं तो 7-8 किलोमीटर तक के लिए जाना पड़ेगा। पहले मापसा तक, फिर वहाँ से बस लेके पंजिम तक जाना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ से हम्पी के लिए हाईवे निकलेगा। तो ये पीछे आप जो हाईवे देख रहे हो वो सीधा यहाँ से मुस्बेद की ओर जा रहा है और यहाँ से मैं अब लिफ्ट लेने का स्टार्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ से कितने दूर तक मुझे लिफ्ट मिल जाती है। भैया इधर आगे तक छोड़ दो मुझे। लिफ्ट मिल गई है यहाँ से। यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। बात कर रहा भाई, क्या नाम है आपका? तो प्रतीक भैया ने मुझे यहाँ से आगे के लिए लिफ्ट दी है। थैंक यू प्रतीक भैया। गाइस अब तक मैंने भैया ने जो मुझे लिफ्ट दी थी वो यहाँ तक मुझे छोड़ दिया है और अब यहाँ से फिर से वापस से मैं लिफ्ट लेने की ट्राई कर रहा हूँ आगे की। 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अब तक मैंने सिर्फ 20-25 किलोमीटर तक की कवर किया है। अभी देखता हूँ आगे 150 किलोमीटर तक के लिए लिफ्ट लेने के लिए। तो गाइस लिफ्ट मुझे मिल गई है यहाँ से आगे तक के लिए। तो मुझे यहाँ से पोंडा तक के लिए लिफ्ट मिल गई है। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक। तो अभिषेक भैया ने मुझे यहाँ से पोंडा तक के लिए लिफ्ट दी है। थैंक यू अभिषेक भैया। यहाँ से 350 किलोमीटर है, हुआ देते हैं क्या लोग लिफ्ट? दे देते हैं। मैं मुंबई से गोवा आया, बहुत ने दिया, कार वालों ने दिया, स्कूटी वालों ने दिया, 350 किलोमीटर तक ऐसे ट्रक वाले ने लिख दिया। ट्रक वाले गाइस मुझे भैया ने 15 किलोमीटर तक यहाँ पे छोड़ा के वहाँ पे छोड़ दिया है और अभी मैं फिर से वापस से हाईवे के ऊपर ही हूँ और यहाँ पे अभी लिफ्ट लेने की फिर से ट्राई करता हूँ। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और अब तक मैंने यहाँ से 30 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो गाइस ये सीधा हाईवे आप पीछे देख सकते हो, ये उस्पेद के सीधे तरफ जा रहा है और यहाँ से मेरा अभी जो लास्ट पॉइंट होने वाला है वो है थरवाड़ा। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, देखता हूँ वहाँ तक के लिए लिफ्ट मिल जाती है यहाँ क्या होता है। तो यहाँ से लिफ्ट लेना आप स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे तक जा रहे हो? वहां तक छोड़ दो, एक मिनट सामान ले गया ये रहा। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद फारूक भैया ने मुझे 1 किलोमीटर तक के लिए लिफ्ट दी है। थैंक यू भैया। वो तो 90% लोग ऐसा ही चला जाए बेटा बूथ छोड़ के। आप मेरे को ये बताओ इंडिया के अंदर अभी रेड है ट्रेनिंग है, कोई भी इन साइड बूथ नहीं मेरे को बता दो कोई भी। आज आप ऐसे आएगा राइट साइड? हाँ राइट साइड बोल रहे हो ठीक। आप ऐसा भी ऐसे चल रहे हैं मार्केट एरिया में, ट्रॉफिक एरिया में चल रहे हैं, ड्राइवर क्या करता है राइट साइड में नजर रखता है पहले? तो मैं ओवरटेकिंग साइड राइट है, ओवरटेकिंग राइट साइड में नजर रखेगा।
सारे लोग पीछे से आके इधर ब्लैक साइड में घुसोगे बहुत हार्ड है ना ट्रक ट्रक में वो पावर स्टीयरिंग भी नहीं आता है तो मतलब इधर नहीं वो कोई गाड़ी नहीं रुकेगा वो तो सीधे से पास है ना रोड तो ठीक है अभी तो ये खाली है ना रोड रहेगा तो इधर आया हूँ और अब यहाँ से कम 100 किलोमीटर तक के लिए तो लिफ्ट चाहिए देखता हूँ कब मिलने वाली है अभी बज चुका है ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं तब तक मैंने 40 किलोमीटर तक का चेक कर लिया है मुझे 4 किलोमीटर तक के लिए मिल गया लिफ्ट लेके 1 किलोमीटर तक आ गया और वापस से फिर मैं इस हाईवे के ऊपर आ गया हूँ यहाँ से फिर से लिफ्ट लेने की ट्राई करता हूँ अभी मैं इस हाईवे के ऊपर हूँ NH 748 के हाईवे के ऊपर और यहाँ से भी मुझे कंटिन्यू आगे तक चेक करनी है उस लोग गाइस लिफ्ट को है ना समझ नहीं पाते उन लोगों को होता है कि ऐसे कैसे होगा लेकिन वेट करने पर लिफ्ट हमेशा मिलती ही है कोई ना कोई बंदा अपने को लिफ्ट दे ही देता है लिफ्ट लेके भी मैं आगे तक पहुँच जाऊँगा जो भी लिफ्ट मिलेगी मैं लेता रहूंगा चाहे छोटी हो या बड़ी कहीं अभी तक तो लिफ्ट नहीं मिली है सब लोग बस ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ी दूरी आगे जा रहे हैं क्या सब लोग थोड़ी दूरी आगे जा रहे हैं क्या कोई तो आगे तक जा रहा होगा ना केशव भैया ने मेरे को लिफ्ट दिया है आ सकती है वो मुझे भी नहीं मालूम है लेकिन भैया मुझे आगे तक पहुँच सकते हैं भी अपने को चलेगा तो कहीं अभी मैं पहुँचाऊँ मोले के पास और लास्ट मुझे चेकिंग मिली थी उन्होंने मुझे यहाँ पे हाईवे पे छोड़ा है और अभी यहाँ से मैं थोड़ा भूख लगा है खाना खाने के बाद वापस से चेक करने के लिए हाईवे के ऊपर जा तो गए लास्ट मुझे लिफ्ट मिली थी वहाँ से मैं यहाँ तक आया मोले तक और वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया और फिर यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद वापस से मैं निकलूँगा लिफ्ट लेने के लिए और थोड़ा सा फ़ोन का चार्जिंग भी नहीं है रिपोर्ट करने वाला जो फ़ोन है उसका चार्जिंग भी नहीं है तो उसको चार्ज बैक करके फिर वापस से चेक करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा हूँ और ये एक अब देख सकते हो कि बस स्टैंड है वहाँ पे मैं रुका हूँ बाकी गाइस यहाँ का आप नेचर देखो बहुत गर्मी से गिरा हुआ बड़े बड़े पेड़ होते हैं यहाँ से अभी भी जो मेरा लास्ट जो मिशन जहाँ तक और भी कम से कम नहीं तो 300 किलोमीटर दूर है तो मुझे तो नहीं लगता कि आज अगर बड़ी लिफ्ट मिल जाए तो 300 किलोमीटर तक पहुँच जाऊँगा और ना छोटे छोटे लिफ्ट में तो जहाँ तक पहुँच पाऊँगा वहाँ तक के लिए मैं चेक करता रहूँगा और जहाँ पे मैं रात हो जाएगी तो फिर वहाँ पे मैं स्टे कर लूँगा ऐसे रेस्ट करने के बाद वापस से मैं हाईवे के ऊपर आ गया हूँ लिफ्ट लेने के लिए और यहाँ से अभी मैं लिफ्ट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ देखता हूँ और इस जंगल के बीच में कर रहा हूँ मैं हिचहाइकिंग बड़ी लिफ्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा डायरेक्टली मुझे 50-100 किलोमीटर तक के लिए कोई बड़ी लिफ्ट मिल जाए लेकिन अब तक तो मैं छोटी छोटी लिफ्ट लेके इधर तक पहुँचा हूँ मैं जहाँ से निकला था वहाँ से अब तक तकरीबन मैं 50-60 किलोमीटर तक आ गया हूँ देखते हैं अभी कोई बड़ी लिफ्ट मिल जाए मुझे डायरेक्टली तो अच्छा रहेगा सुबह से कोई बड़ी लिफ्ट नहीं मिली है मतलब छोटी छोटी लिफ्ट लेके आया हूँ मैं 7:00 बजे तक अगर मैं पहुंच जाता हूँ तो अच्छा है रोड अच्छा है पहुंच जाऊँ
अभी तक तो गोवा भी क्रॉस नहीं किया है, कर्नाटक में एंट्री नहीं है, अभी भी गोवा के अंदर ही हूँ। अभी यहाँ से होगा 20 किलोमीटर के आसपास होगा गोवा, उसके बाद कर्नाटक स्टार्ट हो जाएगा। कोई मिल जाए बड़ी लिफ्ट तो अच्छा है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लिफ्ट लेते टाइम, कभी भी मिलेगी लिफ्ट, बड़ी लिफ्ट मेरा वेट कर रही है, मिलेगी जरूर। ट्रक आ रहा है, देखते हैं लिफ्ट रोकेगा कि नहीं रोकेगा। अच्छा, दो ट्रक है, किसी ने नहीं रोका गाड़ी, अभी तक तो ऐसे ही खड़ा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पटेल। तो वीरेंद्र पटेल भैया ने मुझे यहाँ से लिफ्ट दी है। कहाँ तक छोड़ोगे मुझे आप? कर्नाटक बॉर्डर। तो कर्नाटक बॉर्डर के पास वीरेंद्र पटेल भैया मुझे छोड़ेंगे। थैंक यू भैया। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूँ, अभी यहाँ बॉर्डर जैसा कुछ है, शायद कर्नाटक बॉर्डर ही है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो लिफ्ट तो मुझे 3-4 किलोमीटर तक ही मिली थी शायद। उसके बाद वहां से मैं आके यहाँ पे पहुंच आया और यहाँ से अब फिर से लिफ्ट लेना स्टार्ट करूंगा आगे जाके, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है दूधसागर की ओर और दूसरा यहाँ से जाता है, मालूम नहीं कहाँ पे जाता है, दूधसागर की ओर राइट साइड वाला रास्ता जाता है, इसलिए पहले आगे जाके लिफ्ट लेता हूँ ताकि मुझे राइट लिफ्ट मिल सके वहां से। तो गाइस अभी गोवा का चेक पोस्ट कम्प्लीट करने के बाद मैं वापस से हिचाइक करने के लिए रेडी हो गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ से अब स्टार्ट कर रहा हूँ हिचाइक, कब तक मिलने वाली है। कर्नाटक के अंदर एंटर हो गया हूँ, वहाँ से मुझे लास्ट लिफ्ट एक भैया ने दी थी, आपने देखा ही होगा वीडियो में कि बाइक वाले भैया ने मुझे तकरीबन 40-50 किलोमीटर के लिए लिफ्ट दी थी, और वहाँ से फिर मैं अभी कर्नाटक के अंदर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के अंदर आ ही चुका हूँ यहाँ पे कर्नाटक के अंदर। अभी भी यहाँ से जो मेरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है मेरा हिचहाइक कर जहाँ पे आज मुझे पहुँचना है, वो अभी भी 60 किलोमीटर तक का है, सॉरी 60 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर तक का है। तो आज तो मुझे नहीं लगता तकरीबन 50-60 किलोमीटर और मैं हिचाइक कर लूँ, तो उसके बाद मैं शायद वहीं पर ही रुक जाऊंगा। शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ से मैं अब हिचाइक स्टार्ट करने वाला हूँ, और गैस यहाँ पे अब ठंड लगना भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, तो अभी थोड़ी थोड़ी ऐसा ठंडी हवा भी आना स्टार्ट हो गया है कर्नाटक के अंदर। क्या बता रहे हैं, आगे जाओ आगे रुकेगी गाड़ी, इधर कोई नहीं रुकेगी, क्या करूँ आगे जाऊँ कि इधर ही रुकूँ, देखता हूँ। गाय कब से सोच रही है कि मैं कर के आ रहा हूँ, गाय को YouTube पे मैं लेके आ रहा हूँ, देखो गाय कब से देख रही है, और ये और भी 2-3 गाय यहाँ से आ रही है, इन सबको मैं YouTube पे लेके जा रहा हूँ। चलो गाय लिफ्ट को समझ नहीं पाते, मतलब वो ये समझते हैं कि ये मतलब है क्या नई चीज कुछ। कितना होगा यहाँ से? मतलब ये दरबार के हाईवे के ऊपर होगा, तो वहाँ तक छोड़ दोगे मुझे? आओ भैया, तो मैं लिफ्ट लेके जा रहा हूँ। गाइस लिफ्ट तो मिली थी लेकिन बैग रखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मुझे लिफ्ट नहीं दी भैया ने। भैया आगे जाओगे? मेरे को जाना है ये धरवाड़ तक, लेके आओ ना बैग। मिल गई लिफ्ट गाइस, मिल गई मुझे लिफ्ट आगे तक के लिए, लिफ्ट मिल गई। भैया जो है वो यहाँ से चेन्नई की ओर निकल जाएंगे, तो वो मुझे यहाँ से हुबली तक हुबली में छोड़ देंगे वहाँ पे, हुबली यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ हुबली के पास, अभी भी यहाँ से हम्पी जो है होस्पिट जो है वो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है, और आज रात को मैं यहाँ पे कैंपिंग टेंट लगाने वाला हूँ अपना। तो आप लोग ये लोकेशन देख सकते हो, ये पेट्रोल पंप का लोकेशन है, यहाँ पे मैं आज टेंट लगाने वाला हूँ। तो गाइस बाहर अभी थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है गिरना, और ज़्यादा बारिश नहीं गिरना चाहिए वरना मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि टेंट
मालूम नहीं है इसमें पानी रहेगा या पानी अंदर आ जाएगा, वाटरप्रूफ तो है लेकिन फिर भी ज़्यादा बारिश नहीं गिरना चाहिए। अभी तो नॉर्मल बारिश है, कोई खास इतना गिरा नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश गिर गया तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगा इधर। देखते हैं क्या होता है सुबह तक, अभी तो मेरे को सोना भी है लेकिन बारिश के कारण मेरे को अभी जगना पड़ रहा है। तो गाइस मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है कि आज मैं पूरा दिन जब मैं हिचहाइक कर रहा था तो मुझे हिचहाइक में कुछ बंदे ऐसे मिले जिन्होंने मतलब मुझे हिचहाइक में लिफ्ट तो दी लेकिन सामने से मतलब मुझे पैसे के बारे में भी पूछा कि क्या आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो आपको मैं थोड़े पैसे दूँ। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इतने प्यारे मिलते हैं, इतने प्यारे लोग मिलते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँगा। इस बहुत से अच्छे लोग मिलते हैं जो मुझे मतलब अपना फ़ोन नंबर तक दे देते हैं कि मैं इधर ही हूँ, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतने अच्छे लोग मिलते हैं हिचहाइक करते टाइम कि गाइस मुझे नहीं मतलब अब तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्टार्टिंग करूँगा अपने इस हिचहाइक को और इतने अच्छे लोग मुझे मिलेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छे लोग मुझे मिले अब तक, बहुत से लोग तो मतलब ऐसे फ्रेंडली रहते हैं कि मुझे मतलब पता ही नहीं चलता कि वो मतलब कोई और ही है, और बातों बातों में तो इतने फ्रेंड हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। खाने का भी कई बार क्या होता है कि मैं होटल पे अगर खाना खाने जा रहा हूँ तो वो मेरा पेमेंट भी वही खुद कर देते हैं। मैं उनको कितनी बार भी बोलता हूँ कि नहीं मैं अपना पेमेंट दे दूँगा आप मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो मतलब मेरा पेमेंट भी अपने साथ पेमेंट दे देते हैं और पेमेंट लेते ही नहीं है। फिर मेरा मैं देता भी हूँ उनको पेमेंट कि आप ले लो मेरा पेमेंट, तब भी वो मेरा पेमेंट नहीं लेते। तो गाइस ये मुझे बात शेयर करनी थी कि हिचहाइक करने में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, पूरे इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, आप बस हिचहाइक करो, वो आपको लिफ्ट भी देंगे। लिफ्ट लेना बेटर है, बाकी अगर कुछ करते हैं देते हैं तो आप जब तक हो सके तब तक तो आप उन्हें मना ही कर दो, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानते तो फिर उनका मान रखने के लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो मुझे ये बात आपसे शेयर करनी थी। गुड मॉर्निंग गाइस, रात को यहाँ पे इस कैंट के अंदर सो गया था, यहाँ पे पेट्रोल पंप के ऊपर दिल्ली के अंदर। यहाँ से अभी मैं निकलने वाला हूँ, देखता हूँ लिफ्ट लूँगा या फिर यहाँ से बस पकड़ूंगा, जो भी लूँगा मैं अपडेट करूँगा आप लोगों को आगे। और बस अभी तो यहाँ से बस सामान पैक करके बस निकलना है यहाँ से हाईवे के ऊपर। अभी भी यहाँ से हॉस्पिटल जो है वो 160 किलोमीटर दूर है, तो देखता हूँ कब तक पहुँच पाता हूँ। आज तो पहुँचना ही है कुछ भी करके। दूसरा भाई जी पेट्रोल पंप वाले भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे रात को यहाँ पे रुकने के लिए जगह दी। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ लिफ्ट लेने के लिए यहाँ से, बस यहाँ से अभी मैं सोचता हूँ डायरेक्ट अगर मुझे मिल जाए उस पद के लिए तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ से जितना भी लिफ्ट मिलेगा मैं लेने वाला हूँ। थैंक यू। तो ये भैया ने पेट्रोल पंप के ऊपर मेरी हेल्प की थी, रात को मैं इधर ही रुका था। ये ट्रक वाले भाई साहब कहाँ पे जा रहे हैं इनको थोड़ा पूछ लेता हूँ, अगर जगह है तो मुझे छोड़ दो भाई। हॉस्पिटल जा रहा है, हॉस्पिटल नहीं जाएगी। तो गाइस यहाँ पे तो ये भाई साहब नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल, देखता हूँ मेरा लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है हाईवे के ऊपर जाना है। तो गाइस यही हाईवे यहाँ से सीधा हॉस्पिटल की ओर जाएगा। तो बस अभी यहाँ से ही मैं आगे जाके थोड़ा हिचहाइक स्टार्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे कोई लिफ्ट मिल जाए हॉस्पिटल के लिए डायरेक्ट, अगर मिल जाती है तो अच्छा है, मैं तो फिर तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। देखते हैं कब तक कौन सी लिफ्ट मिलनी मिलती है, तब तक के लिए थोड़ा चाय नाश्ता होटल पे जाके कर लेते हैं, उसके बाद वापस से हिचहाइक को स्टार्ट करने वाला हूँ। हाईवे के ऊपर मैं आगे जाके हिचहाइक स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ से मुझे हॉस्पिटल के लिए डायरेक्ट हिचहाइक मिल जाए तो अच्छा है, डायरेक्टली मैं यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊंगा। तो गाइस अभी हुबली को बाय बाय कर देते हैं, बाय बाय हुबली, अब जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हुबली को छोड़ के अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल में। गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मतलब हिंदी इतना किसी को नहीं आता होगा, यहाँ का जो लैंग्वेज है वो कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, कन्नड़ा बोला जाता है, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो मतलब कि हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उतना भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोगों को तो हिंदी ज़्यादातर लोगों को आती है, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आती है। अभी तक तो मैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अभी आगे हम्पी में जाके देखते हैं कि क्या होता है, वरना फिर गूगल ट्रांसलेट का तो सहारा है ही है। जो हॉस्पिटल है वो तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास है, देखते हैं कब तक लिफ्ट मिल जाती है कि लंबी मिलती है नहीं मिलती है।
गाइस ये हाईवे का यहाँ से कट है छोटा वाला, देखता हूँ अगर यहाँ से लिफ्ट नहीं मिलती तो फिर हाईवे के आगे मेन हाईवे आगे है वो वहाँ पे जाके फिर ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ से ही अगर लिफ्ट मिल जाती है तो अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। मुझे वो चेन्नई तक जा रहे थे तो उन्होंने मुझे यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास में छोड़ दिया था, हुगली के पास। लेकिन गाइस वो बहुत इतने अच्छे थे ना अन्ना जी कि उन्होंने मुझे पूछा कि खाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं आपको देता हूँ पैसे, मतलब यहाँ पे लोग इतने अच्छे मिलते हैं ना कि गाइस क्या बताऊँ आपको। लेकिन मैंने बोला नहीं मेरे पास पैसे हैं, मेरे को बस लिफ्ट चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। आधा घंटा और वेट करूंगा वरना आगे के मेन हाईवे के ऊपर चला जाऊंगा वहां से अगर कोई लिफ्ट नहीं मिलती। वैसे मैं मेन हाईवे के ऊपर जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता यहां से जल्दी कोई लिफ्ट मिलने वाली है तो मेन हाईवे के ऊपर चलते हैं। तो गाइस मैं मेन हाईवे के ऊपर आ चुका हूँ, आप पीछे देख सकते हो कि ये होस्पेट के साइड जाने वाला मेन हाईवे है। और इसमें गाइस ये है कि यहाँ से भी जो आने वाला ट्रैफिक है ना वो भी मुझे यहाँ से लिफ्ट मिल सकता है और मेन हाईवे से भी आने वाला ट्रैफिक लिफ्ट मिल सकता है। तो यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मुझे जल्दी लिफ्ट मिल जाएगा, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है नहीं लगता है। नितेश वीके भैया ने मुझे यहाँ से होस्पेट के लिए लिफ्ट दे दी है, थैंक यू भैया। अब कहाँ से हो भैया? एमपी। एमपी के फिर एक रिक्शा पकड़ के यहाँ पे हॉस्पिटल के ऊपर आ गया था और यहाँ से अभी मैं हम्पी का बस पकड़ के हम्पी के लिए जाने वाला है। फाइनली हम लोग हॉस्पिटल के ऊपर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से बस लेके मैं पहले हम्पी जाता हूँ और फिर मैं वापस से अपने वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ।